नमस्ते दोस्तों, स्वागत है सभी का आज के एक नए ब्लॉग में। आज हम जा रहे हैं कहीं और बाहर घूमने, मंडे रिटर्न, तो देखते हैं कैसे आगे होता है। लेट्स सी, मज़ा तो आने वाला है। अभी बज रहे हैं 5:38, 5:40 की अपनी ट्रेन है सीरोड से, और अभी हम 5:50 तक थाने पहुंच जाएंगे। ट्रेन अपनी 6:50 की अराउंड, तो मोस्टली हम आराम से टाइम पे पहुंच जाएंगे। 20 मिनट का बफर टाइम रहता है ताकि अगर कुछ इश्यू हो तो हम टाइम पे पहुंच सकें। ठीक है, तो मिलते हैं डायरेक्टली ठाणे में। मुझे पता नहीं तुम्हें आवाज़ आ रही होगी कि नहीं, क्योंकि बहुत मेरे पास बाइक नहीं है एक्स्ट्रा, जो मैंने गलती की है, बट ठीक है, एंजॉय कर लो यार, व्यू एंजॉय कर लो, मुझे छोड़ो। सबसे पहले आते ही हमें मिला है ब्रेकफास्ट, ये है रेडीमेड टी, आप देख सकते हो। उन्होंने पहले पानी दिया, उसके बाद ये मिक्स करने के लिए दिया था। उसके साथ है कुछ बिस्किट्स, आई थिंक 2 या 3 बिस्किट्स रहेंगे। गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं शिरडी, और सफ़र बहुत सही था, मज़ा आया। पीछे आप ट्रेन देख सकते हो मेरे, बीच में शूट करने नहीं मिला, बाइक नहीं है मेरे पास, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। नेक्स्ट टाइम बाइक लेके जाऊँगा चाहे जहाँ भी जाऊँगा। अभी हम पहुँच चुके हैं शिरडी मंदिर के सामने, आप पीछे देख सकते हो मेरे मंदिर है, और एक थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, फिर हम जाएंगे सीधा मंदिर के अंदर दर्शन के लिए, और देखते हैं कैसे क्या होता है। अभी हम पहुँच चुके हैं मंदिर के पास, और आप देख सकते हो वहाँ पे अभी मंडप है। आगे से मैं नई वीडियो निकाल पाऊँगा यहीं से, देखा ऑलमोस्ट हम पहुँच चुके, बहुत ज़्यादा भीड़ है वहाँ पे, बहुत भीड़ है। देखते हैं क्या होता है, कितना टाइम लगता है, लेट्स सी। ये यहाँ का मेरा फेवरेट वड़ा पाव है भाई, क्या लगता है, क्या टेस्ट है। पिछले 3-4 साल से खा रहा हूँ, उसकी टेस्ट अभी भी वैसी है। 2 थे, उसमें से 1 मैंने खत्म कर दिया, अभी 1 बाकी है, अभी खाऊंगा। तो गाइज, अपना हो गया है सब खाकर, और अभी मैं जाने वाला हूँ दर्शन के लिए। लेकिन एक्चुअल में एक सीन हो गया, मैं जिस ट्रेन से आ रहा था ना, उस ट्रेन में मुझे एक अंकल मिले जो मेरे बाजू में बैठे थे, और उन्होंने बोला कि कहाँ जा रहा है, तो मैं बोला अरे दर्शन करने शिरडी जा रहा हूँ। तो वो बोले कि यार अच्छा, ये वो बातचीत हुई, तो वो बोले कि अकेला है, मैं बोला हाँ अकेला हो। तो उनका ये कहना था कि मेरा एक दोस्त है जो अराउंड 9:00 आगे, तो तू उनके जगह बैठ सकता है क्या, वो यहाँ पे बैठेंगे, मतलब मेरी विंडो सीट थी, तो बोले उसकी भी विंडो ही है, तू जाके बैठ जा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो बोला हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर उनका दोस्त आया हमारे यहाँ पर, वो मुझे लेके गया, और जाते वक्त पूछा था कैसे क्या, मतलब कब निकलेगा, कितने दिन का स्टे है। तो बोला मेरा स्टे वे नहीं है, मैं आज ही निकलने वाला हूँ, अपना क्या आएंगे, आज ही जाएंगे।
तो बोले अच्छा ऐसा है, तो एक काम कर बोले कि मुझे कॉल कर दर्शन को जाने से पहले, तो मेरी पहचान है तो अपन डायरेक्ट तुझे अंदर दर्शन के लिए भेज देंगे। तो ये बात बतानी थी आप लोगों को कि अभी हम दर्शन के लिए जाएंगे तो सही, मुझे लगा टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा पता नहीं, बट अंकल बोले अपनी पहचान है अपन डायरेक्ट जाएंगे। तो अभी अपन जाने वाले दर्शन के लिए डायरेक्टली अंदर, देखते हैं कैसा क्या होता है। चलो बाय बाय। थोड़े शिरडी वाला हाईवे और मुझे ये दिख रहा था कि ये मस्त एक मूर्ति बनी है नहीं साई बाबा की, जो आई थिंक कुछ दो तीन महीने पहले मैं आया था तभी थी, उससे पहले जब आया था तब नहीं थी, जाने वाले से पहले की बात है। बहुत सुंदर है ये मूर्ति यार, बहुत सुंदर है, एक नंबर दिखती है, दूर से देखने में तो और सही लगता है। तो दोस्तों अभी का सीन ऐसा है कि हो गया है सब दर्शन, शॉपिंग भी कर ली है पूरी की पूरी, और देखते हैं अभी सीन क्या होता है। 5 बजे निकलना है, अभी 3:21 हो रहे हैं, तो है अपने पास बहुत टाइम है, और थोड़ा घूमूंगा। दर्शन एक नंबर हुआ एकदम प्रॉपर, आधे घंटे में मैं बाहर निकल गया, फिर बाकी के जगह दर्शन लिया और बाहर आ चुका। अभी देखते हैं, अभी थोड़ा सा और खरीदना है कुछ कुछ पापा के लिए, उसके बाद सीधा अपन जाएंगे शिरडी स्टेशन। चलो मिलते हैं फिर वो। तो गाइज अभी निकल चुके हम चलते हुए स्टेशन की ओर, क्योंकि कुछ था नहीं करने को, हो गया अपना सब दर्शन, सब ऑन टाइम से भी पहले हुआ है, तो अपने पास 1-2 घंटे एक्स्ट्रा है, तो मैंने सोचा करना ही क्या है, चल के ही चल लेता। अभी हम आ चुके हैं वापस स्टेशन पर और बहुत थक गया हूँ चल चल के एक्चुअली। पीछे मेरी ट्रेन खड़ी है, आप लोग देख सकते हो पीछे दिख रही है, तो बस भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ट्रेन निकलने में हार्डली 1 घंटा है, बट ठीक है अभी निकल जाएंगे थोड़ी देर में, तब तक आराम कर रहे, थोड़ा बैठते हैं चिल मारते हैं, मेरी थोड़ी सी पढ़ाई भी करनी है वो भी कर लेते हैं, तब तक लोग ट्रेन भी करते हैं, ट्रेन का जो लुक है भाई। तो अभी आ चुके हैं, अभी ट्रेन में बैठ चुके हैं, अभी बच गए हैं 5:31 हो चुके हैं गाइस, और मुझे विंडो मिलेगा, तो यस अभी देखते हैं 5:45 की ट्रेन निकलेगी, 5:45 को मेरे बाजू में कोई नहीं है, नासिक से आएंगे। लेट्स सी, अभी हम आ चुके हैं वापस घर पर, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और यहीं से सुबह निकले थे सीउट स्टेशन, वहीं पर वापस आ चुके, बस यही बोला था मज़ा आया, लेकिन थोड़ा मतलब मेरे में ही चर्बी, मैं चल के गया, चल के नहीं जाता तो शायद इतना नहीं थकता, लेकिन ठीक है देखते हैं, अभी आराम करना है थोड़ा, कल सुबह वापस 6 बजे निकलना है ऑफिस के लिए। बस ये ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, बाय 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 बाय।